देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीसे शरीफ। हदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اذا لم تستحي فاصنع ما شئت। बुखारी शरीफ। जब तुम शर्म और हया न करो तो जो चाहो करो। शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। रुख करते हैं अहम सुर्खियों की जानिब। मसाजिद के उसी मकाम पर तामीर की वज़ीर-ए-आला केसीआर के तहखुन पर टीआरएस पार्टी अक़लियती कायदीन का इजहार तशक्कुर। हैदराबाद में कल से फिर दौड़ेगी मेट्रो रेल। महकमे मेट्रो ने लिया है फैसला। और तिरुपति तिरुमला मंदिर में नाग सांप ने मचाई हलचल, आवाम में खौफ का माहौल। रुख करते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से कल मुसलमानों के एक नुमाइंदा वफद को सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद को उसी मकाम पर आलीशान पैमाने पर तामीर के बाद रियासत भर से टीआरएस अक़लियती कायदीन की जानिब से चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया जा रहा है और केसीआर के इस इकदाम की ज़बरदस्त सताइश भी की जा रही है। इसी खसूस में सदरनशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन सैयद अकबर हुसैन और रुकन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद वहीद अहमद एडवोकेट ने भी अपने वीडियो पैगाम में चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया है। जिम्मेदारों के जरिए उसका फाउंडेशन भी रखा जाएगा। मैं सीएम साहब का बेहद मशकूर हूँ और जो खदशात अवाम में थे मैं साफ तौर पर पहले भी कहा, क्योंकि मेरी रियासत के वजीर आला और हमारे पार्टी के सदर कलवाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ना सिर्फ एक सेकुलर कायद है बल्कि हमको पूरा यकीन था उन्होंने उसी मुकाम पर मसाजिद की इन दोनों मसाजिद की दोबारा तामीर करेंगे। और ये जो लोग हैं जो लोगों तक जा रहे थे, इनका अप्रोच जो लोगों तक था, कभी आवाम ने इनका साथ नहीं दिया। ये सिर्फ 10 से 8, 8 से 10, 20 जने जगह पर ठहर कर पुकारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कलवाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का नाम एक तारीख में एक सुनहरे लफ्जों में लिखे जाने वाला नाम कलवाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब है। इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए, मैं अगर कांग्रेस की तारीख बताने बैठूं, मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक जितने इबादतगाहें अगर मस्मार हुए, महिंदम हुए, शहीद हुए, इसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। और मैं ये भी बता दूं, आज तक मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक जितने इनकाउंटर्स हुए, जितने मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार किया गया, इसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस है। और मैं आपको ये भी बता दूं, कांग्रेस ने आज तक मुल्क की तारीख गवाह है, शायद मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक जितनी औकाफी जायदादें तबाह हुई उसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस है। और कई कांग्रेस के रहनुमाओं के अगर मैं नाम गिनूँ जिन्होंने औकाफी जायदाद को काबिज होकर कई जगह कई हिल्स को तामीर किया, अब मैं बता दूं तारीख के औराख अगर निकाल कर आप देखेंगे अवकाफी जायदादों को, अवकाफी जायदादों के डॉक्यूमेंट्स को अगर कोई अगर ख़त्म किया तो वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कांग्रेस के जिम्मेदारों ने, कांग्रेस के वजीरों ने किया। और मैं कांग्रेस के उन लीडरों से ये सवाल करूंगा कि पहले अपने गिरेबान को झाँके, भागलपुर से लेकर आज तक भी अगर जितने फसादात हुए, जितने में अगर मुसलमान शहीद हुए, इसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस है। और अवाम में, मुल्क की अवाम में आज जितनी नफरत अगर दिलों में
मजहब के नाम से है तो उसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस है। ये लोग बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे, ये लोग ये कह रहे थे कि हालात बिगड़ेंगे, हालात कुछ बिगड़ने वाली नहीं है, तुम्हारे अल्फाज से कुछ इस रियासत में होने वाला नहीं है। कांग्रेस का मुकम्मल इस रियासत से सफाया हो चुका है, इनके पास कोई इशू नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन माइंड नहीं है, सिर्फ आवाम के दिमागों से खेलना, आवाम को वरगलाना है। मैं तारीख उठाकर देख लो, ख्वातीन के लिए भी जो स्कीमात लाए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आवाम, जिस तरह हिंदू भाई हिंदो मुस्लिम हिंदो आज पूरे रियासत तेलंगाना में खुशी से है, गुज़श्ता 60 साल में कोई आवाम यहाँ की पब्लिक कोई खुशी में नहीं थी, क्योंकि आंध्राओं की हुकूमत थी कि आंध्रा के हुकूमतदारों ने चीफ मिनिस्टर्स ने कभी रियासत तेलंगाना की आवाम की तरक्की नहीं देखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह यही केसीआर साहब ने तेलंगाना तहरीर तहमी कहा कि यहाँ की आवाम मावीसी रहती है, इस मावीसी का मैं खुद एक मिल के कदम उठाया है कि रियासत तेलंगाना बना 2014 में हुए बात इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब कई कौमों को स्कीमों से नवाजा गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसी तरह जिस तरह पहली स्कीम जो पहला बजट था 1050 का उसमें भी कई स्कीम से नवाजा गया, माइनॉरिटी रेसिडेंट स्कूल संदो शादी मुबारक रहो, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 1250 का जो बजट लाया गया जिसका कई हुकूमतों ने मुस्लिम माइनॉरिटीज को खाली तौर पर एक छोटी सी स्कीम रख के वो देते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह और रियासत तेलंगाना की हर स्कीम पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में एक टॉप और टॉप नंबर वन में ये रियासत तेलंगाना की स्कीम लॉन्च हुई है। उसी जरिए से पूरे हुकूमतों ने यहाँ पर आके रियासत तेलंगाना में आके पूरा सर्वे कर क्योंकि आज जो केसीआर साहब ने जो स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सिर्फ अवाम की भलाई के लिए, अवाम की तरक्की के लिए, अवाम के हक के लिए, जो आज रियासत तेलंगाना में जो स्कीम आज हर लोग को जो मिल रही है वो बहुत बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं यहाँ की अवाम, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा तेलंगाना की अवाम को खुशी में देखना चाह रहे थे। जिस तरह गंगा जमुना तहजीब जिस तरह कायम हुआ है उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन तेलंगाना का 4.5 साल में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हुकूमत तेलंगाना जितने बड़े प्रोजेक्ट्स जैसा कालेश्वरम प्रोजेक्ट रहो मशीन बगैर दिया रह दो मुस्लिम्स माइनॉरिटीज के लिए 2000 का बजट लाया गया है तो उसमें भी 750 करोड़ रुपए माइनॉरिटी रेसिडेंट स्कूल्स को 204 स्कूल्स और 8 कॉलेजेस से नवाजा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। 1,16,000 रुपए जो स्कीम हिंदुस्तान के कोसी स्टेट में नहीं है सिर्फ रियासत तेलंगाना में है, उसी तरह आज पूरी अवाम केसीआर साहब के हक में दुआएं कर रही है कि एक हमारा एक घर के बड़े जिम्मेदार बन के आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमारी परेशानियों को मुश्किलात को आसानी से देख रहे हैं। उसी तरह आज पूरी रियासत तेलंगाना की अवाम 24 घंटे करंट की रोशनी में जाग रहे हैं, करंट के जरिए कई जो बिल्डिंग कारखाने रहो पंचर बनाने वाले रहो कई जो कारोबार जो जिस तरह रेतु किसान जिस तरह खेत के लिए पानी के लिए 8-8 घंटे 7-7 घंटे देते हैं, गुज़श्ता आंध्र प्रदेश मुख्य आंध्र प्रदेश में सिर्फ 3 घंटे रहते हैं। मुमताज कम्युनिस्ट रहनुमा जनाब सैयद अजीज पाशा ने उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में फिरका परस्तों के हाथों एक बेकसूर नौजवान की हुजूमी तशद्दुद में मौत और फिर रियासती पुलिस की नाकामी पर नुक्ताचीनी करते हुए इसको योगी हुकूमत की गैर जिम्मेदारी से ताबीर करते हुए कहा कि जिस तरह कर्नाटक में एक मखसूस तबके को मुश्तइल करते हुए हालात को खराब करने की कोशिश के लिए येदियुरप्पा हुकूमत जिम्मेदार है, उसी तरह इन रियासतों के नामुनासिब इकदाम पर काबू पाने में मरकजी हुकूमत नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मईशत इनहदाद से गुजर रही है, बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है, ऐसे मसाइल पर से तवज्जो हटाने के लिए एक मखसूस तबके के खिलाफ कार्रवाई को तेज करते हुए मुल्क के बाइज़त शहरियों में तशवीश पैदा की गई है। अजीज पाशा ने कहा कि वो 10 बरस तक कर्नाटक में कम्युनिस्ट पार्टी के सियासी उम्र के इंचार्ज रह चुके हैं, इसी बात को यकीन के साथ कह सकते हैं कि बेंगलुरु के वाकयात उन फिरका परस्तों की कारस्तानी है जो कांग्रेस हुकूमत के जवाल के मुंतजर थे। अजीज पाशा जो ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के कौमी सदर भी हैं, उन्होंने इस खसूस में जांच के लिए कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी सैयद वलीउल्लाह कादरी साबिक सदर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की क़यादत में रिपोर्ट तैयार करेगी। लॉकडाउन के बाद से आवाम को मेट्रो ट्रेन के चलने का शदीद इंतज़ार था और हैदराबाद में कल से मेट्रो रेल सर्विस दोबारा बहाल हो रही है। तमाम तर एहतियाती इकदाम के साथ मेट्रो रेल चलाई जाएगी। हुकाम के मुताबिक कंटेनमेंट जोन्स के मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे।
शहर के गांधी हॉस्पिटल, भरतनगर, मुसापेट, मुशीराबाद और यूसुफगुड़ा स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रुकेगी, ये स्टेशन बंद रहेंगे। हुकाम ने कहा कि मुसाफिरों को भी खुद एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना होगा। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में बंडलागुड़ा जागीर में मैपल विलास में एक कत्ल का दर्दनाक वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक विला नंबर 130 में एक 45 साल शख्स विशाल दीवान का उसकी बीवी सबीना रोशन ने कत्ल कर दिया। सर्कल इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर के मुताबिक मियां बीवी दोनों अक्सर झगड़ा किया करते थे। कल शब भी दोनों ने मिलकर मैनोशी की और जब सबीना रोशन के सर चढ़कर बोले लगा तो उसने तेज धार हथियार से ही अपने शोहर के सीने पर हमला कर दिया, जिसके फौरी बाद विशाल को ओलिव अस्पताल ले जाया गया जहां इसे मुर्दा करार दिया गया। मकतूल की बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया है। पुलिस स्टेशन పరిధిలో గల బండ్లగూడ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి మ్యాపిల్ టౌన్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో విల్లా నంబర్ 129 లో నివసించే విశాల్ దివాన్ అనేటటువంటి 43 ఇయర్స్ వయసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మర్డర్ కావడం జరిగింది. అతన్ని అతని భార్య అయినటువంటి సబీనా రోషన్ అనేట ఆవిడ వయసు 50 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఈవిడ చాకుతో చెస్ట్ మీద పొడిచి చంపడం జరిగింది. దీనికి గల కారణం వీళ్ళ భార్యాభర్తలు గత 14-15 సంవత్సరాల క్రితం పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది. ఒక పాప ఒక బాబు ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్లో ఇద్దరు పలు సందర్భాలలో ఇద్దరు ఒకరినొకరు మనస్పర్ధలు రావడం, గొడవలు పడడం, ఫిజికల్గా ఒకరినొకరు కొట్లాడుకోవడం చాలా సందర్భాలలో జరిగినట్లుగా పిల్లలు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు సాక్ష్యం చెప్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఒక 4 రోజుల క్రితం ఈ భర్త విశాల్ దివాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఈమెని ఫిజికల్గా కొట్టి గాయపరిచినట్లుగా ఆ 4 రోజుల నుంచి ఇద్దరి మధ్య మాటమంతి లేకుండా ఇద్దరు ఇంట్లో ఉంటున్నారు. నిన్న రాత్రి ఆవిడ మద్యం ఎక్కువగా సేవించిన తర్వాత ఇద్దరి మధ్యలో గొడవ జరిగింది. ఆ గొడవను దృష్టిలో పెట్టుకుని తను ఎప్పుడైనా తనను చంపేస్తాడనేటటువంటి కోపంతో ఆవిడ ఇంట్లో మటన్ చికెన్ కట్ చేసుకునేటటువంటి కత్తిని తీసుకొని అతని బెడ్రూమ్లో బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళి ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతున్న సమయంలో చెస్ట్ మీద పొడవడం జరిగింది. ఆ పిల్లల సమక్షంలోనే తిరగడం, అమ్మాయి అరుచుకుంటూ అక్కడి వాళ్ళని లేపడంతో వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి చూస్తే అప్పటికే సివియర్ బ్లీడింగ్ అయిపోయి కింద పడిపోయినటువంటి అతన్ని వాళ్ళ కారులో తీసుకొని ఆలివ్ హాస్పిటల్ నానల్లాగా తీసుకుపోవడం జరిగింది. అక్కడ వెళ్తూ ఉండగానే మార్గం మధ్యలో అతడు చనిపోయినాడు. ఇటు విషయంలో భార్య అయినటువంటి ఆమె సబీనా రోషన్ ని రాత్రి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈమెకు మెంటల్ స్టేటస్ కూడా సరిగా లేదని చెప్పి గత కొంతకాలంగా సైక్రియాటిస్ట్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నట్లుగా వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో చెప్తా ఉన్నారు. ఆ రికార్డ్ అంతా కూడా కలెక్ట్ చేసుకుని ఆమె ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆమె కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి జైలుకు తరలించడం కూడా జరిగింది. एलबी नगर इलाके में एक किराने की दुकान में हादिसाती तौर पर आग के भड़क उठने की वजह से दुकान शोलापोश हो गई है और जिसकी वजह से इलाके में काफी देर तक धुआं फैल चुका था। पहले आवाम ने आग को बुझाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा ना हुआ। महकमे आतिश परो अमले के इतला दी गई जिस पर फायर इंजन ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये की वजह से दुकान को काफी नुकसान हुआ है। लियागुड़ा मसलख में काम करने वाले और कारोबार करने वालों की जानिब से आज मसलख के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इनका कहना है कि लॉकडाउन के कवानीन में नरमी दी जा चुकी है और सारा बाजार खुल चुका है, आम जिंदगी भी मामूल पर आ गई है, लेकिन GHMC अहदेदार मसलख को खोलने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस मसलख में काम करने वाले और कारोबार करने वालों की फाका हो रहा है और इन्हें काफ़ी दुश्वारियों का भी सामना है। अगर मसलख को खोल दिया जाता है तो इन्हें 2 वक्त की रोटी मैसर हो जाएगी। एहतजाज के दौरान पुलिस और एहतजाजियों में हाथापाई भी हुई। इस दौरान मकामी कॉरपोरेटर भी मौके पर पहुंचकर इन्हें समझाने की कोशिश की और मसलक को दोबारा खुलवाने का तयकुन दिया। पेश है हमारे नुमाइंदे सिटी इंडिया न्यूज मोहम्मद वाजिद की ये रिपोर्ट। काम कल से चालू कर लो बोल के परसों 3 दिन पहले बोले, जैसा एक दिन काम चालू करे दूसरे दिन पुलिस वाले आके डंडे बजा के भगा दिए हमारे को। ये पुलिस का भी एक जुलुम है ये। जब नेता लोग हमारा दुख दर्द सरद समझ के हमारे को काम कर लो बोल के उन्हें आश्वासन देने के बाद पुलिस वाले भी जोर जोर जुल्म कर रहे, वो भी अच्छा नहीं। हम पुलिस वाले से भी विनती कर रहे, हमारा पेट जगो, हम पेट की तकलीफ से आए यहाँ पर, हम आपसे झगड़ने नहीं आ रहे। आप भी एक इंसानियत की नजरियात से हमारे को देखते हुए हमारे को काम कर लेने दीजिए हमारे को, यानी तो मर जाएंगे हम। MLA कौशल मोहिद्दीन साहब कहने गए, कारपोरेटर मित्रा कृष्णा के पास भी गए, उन्होंने आके परसों रात में यहाँ रिबन काट के गए काम कर लो बोल के 3 दिन पहले। एक दिन काम करे दूसरा दिन पुलिस वाले मार के भगा दिया हमारे को।
अब आज संडे है, आज बहुत बड़ा काम कारोबार पेत्रमास के दिना है, ये अब तक कुछ भी नोटा कमाएंगे, दवा दारू को पैसे नहीं है हॉस्पिटल का, तो एक दिन बोल के हमारे को 6 महीने बिठा दिए, हर जाना 10 करोड़ जीते मंडी में, हर चार तस्मी जीता है मंडी में, मोंडेदारों की हम बात सुन के खामोश बैठे हुए, आज है कल है, कल करोड़ पे हम तमाशा करेंगे, हमारा क्या शौक है, हमारे घर के किराया, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हाँ हमारे बच्चों को फीस आए ऑनलाइन क्लास बोल रहे उन्हों भी फीस कोई भी 1000 रुपए पूछे तो भी हेल्प ले कर रहा, आज देते कल देते मंडी को तो दे, हिम्मत कर लेते हमारा हिम्मत हम कर लेते, कई लोग हार्ट अटैक टेंशन से मर गए, बुढ़िया पुरुष लोग जवान लोग मर गए, कैसा जीना क्या ना सर, हमारे को 3 दिन और इलेक्शन का पूरी हालत ऐसी हो गई, पूरा इन्फेक्शन का तो ये सब है, तभी बताओ रिकेश हमारा को हेल्प करना, बहुत तकलीफ हो रहा हमारी मंडी में, कोई दो रोज की रोटी 100 रुपए का। एक दौर ये भी था कि जब आरटीसी बसों पर साइन बोर्ड तेलुगु के साथ साथ उर्दू में भी तहरीर किए जाते थे, जबकि उस वक्त उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल नहीं था, लेकिन जब से रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया है, मुख्तलिफ दफातर और आरटीसी की बसों से उर्दू ही गायब हो गई है। इस खसूस में सदर मजलिस बोधन मशीर बाबा के क़यादत में एक वफ्द ने डिपो मैनेजर आरटीसी वेंकट से मुलाकात करते हुए बसों के साइन बोर्ड्स को उर्दू में भी तहरीर करवाने का मुतालबा किया है। इस खसूस में डिपो मैनेजर को एक याददाश्त भी हवाले की गई है। बोधन से मोहम्मद सुफियान की पेश है ये रिपोर्ट। उर्दू में बोधन के अंदर जितने भी बसेस है उर्दू में नाम नहीं है उसके ऊपर लिखाने के लिए रिक्वेस्ट करा। हमारी मादरी जबान जो उर्दू है एक दौर में बादशाहों की शान हुई करती थी, अब इस दौर में तेलंगाना हुकूमत ने सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया, और मैं हम लोग हमारी जमात के तरफ से ये रिक्वेस्ट करें कि जितने भी बसेस है उसके ऊपर जल्द से जल्द उर्दू में नाम लिखाया जाए, जिसकी वजह से आवाम को सहूलत हो। जजाकल्ला। और डिपो मैनेजर साहब भी हमको ये तवक्को दिए कि इंशाअल्लाह अनखरीब में 1 महीने के अंदर जहाँ तक हो सके वहाँ तक बसेस लॉकडाउन की वजह से अंदर है उस पर पूरे बसेस में उर्दू में नाम लिखाते, बल्कि गांवों के जो भी विलेजेस है उसका नाम लिखाते, बल्कि हमको तवक्को दिए। कॉरपोरेशन के मुताबिक हम भी पूरा बसों के ऊपर हमारा जो इधर इधर हमारा गाँव में फिरे वो पूरा बोर्ड्स पर उर्दू के नाम उर्दू लेटर्स पर लिखेंगे, और 1 महीने के अंदर पूरा ये करा के सबको पब्लिक उर्दू जो उर्दू पढ़ने वाला है उनको लिए उनके वो क्या अच्छा उनको यूज के लिए हम कराएंगे 1 महीने के अंदर हम लिखेंगे जरूर। पिछले रिप्रेशन वगैरह खचिता उर्दू रास्ता उर्दू अन्नी उर्दू बोर्ड्स अन्नी बस बोर्ड पैन उर्दू राये प्रयत्न और वारं बदलो प्रयत्न खचिता डिपो मेनेजर बोधन। शहर बोधन आईजर ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से आज मकामी एमएलए आमिर शकील से मुलाकात की और ड्राइवर्स को दरपेश मसाइल और एसोसिएशन की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि वो एसोसिएशन की जानिब से आए जाने वाले हर मसले के हल की मुकम्मल कोशिश करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि लॉकडाउन की वजह से सभी शोबेजात मुतासर हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि हालात बहुत जल्द मामूल पर आ जाएंगे। बोधन से मोहम्मद फसीउद्दीन की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोधन सर आयशर एसोसिएशन की तरफ से बात कर रहा हूँ। हमने जो हमारे एसोसिएशन की बात एमएलए साहब से रब्ता किया और उनके इल्म में डाला कि हमारे एसोसिएशन के जो 50-60 ड्राइवर है हमारा जो एसोसिएशन चल रहा है, आप हम जो एमएलए साहब से कहें कि जो आपकी तरफ से जो भी गवर्नमेंट स्कीम हमारे लिए कॉपरेट करे, तो साहब ने हमें तवक्कुल दिया कि जो भी अगर कॉपरेट रहा या जो भी आपको तकलीफ रही हमसे आपको राबता करो कांटेक्ट करो, हम आपको जो है बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। बोले एमएलए साहब ने हमको तवक्कुल दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमारे तमाम एसोसिएशन के ड्राइवर की तरफ से साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जजाकल्ला। ईओ यदाद्री मंदिर गीता ने आज सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मंदिर की तामीर नौ के मुतालिक जानकारी दी। इन्होंने बताया कि असल मंदिर की तामीराती काम तकमील को पहुंच चुके हैं, लेकिन साथ ही दिगर हालों और जायरीन के लिए आने जाने की राहदारी और मंदिर तक रसाई के लिए सड़क की तामीर और दीगर काम होने अभी बाकी हैं। इन्होंने बताया कि इन कामों को जंगी खतूत पर तकमील कर लिया जाएगा। नरसिंहस्वामी वारी आलय पुनर्निर्माण पनलल्लो भागंगा ప్రధానాలయంలో పనులు ఇప్పటికి దాదాపుగా పూర్తి కావచ్చాయి. ఆలయం లోపలి పని కూడా పూర్తి
అయ్యే దశలో ఉన్నాయి. వెలుపల బ్రహ్మోత్సవం ఏరియాలో ఫ్లోరింగ్ పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా అనుబంధ ఆలయమైన పర్వతవర్ధిని రామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయం కూడా దాదాపుగా పూర్తి కావచ్చింది. సివిల్ పనులన్నీ కూడా అవుతున్నాయి. వీటితో పాటుగా భక్తులకు కావలసిన క్యూ లైన్లు ఇలాంటివి ఏర్పాటు చేయవలసి ఉంది. అలాగే పైన కొండపైన ఉండే ప్రసాదం కాంప్లెక్స్, గుండం కూడా నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి. ప్రసాదం కాంప్లెక్స్లో మెషినరీ ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేయడం జరుగుతుంది. దానికి కావలసిన గ్యాస్ కనెక్షన్స్, గ్యాస్ స్టేషన్ అంతా కూడా నిర్మాణ దశలో ఉంది. ఈ గ్యాస్ స్టేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి గ్యాస్ సప్లై ఉన్నప్పుడు వెంటనే మెషినరీ అప్పటి వరకు ఫిట్ చేసి మెకనైజ్డ్ ప్రసాదం తయారు చేయడానికి చర్యలు తీసుకోబడుతున్నాయి. ఇంకొక 3-4 నెలల సమయం దీనికి పడుతుంది. అదేవిధంగా విష్ణు పుష్కరిణి పనులలో కాంక్రీట్ సివిల్ పనులు కంప్లీట్ అయ్యాయి. దానికి స్టోన్ ఫ్లోరింగ్ వేయాల్సి ఉంది. ఈ ఇంతే కాకుండా భక్తులందరూ కూడా పైకి సౌకర్యవంతంగా చేరుకోవడం కొరకు, బస్ స్టాప్ ఏర్పాటు చేయడం కొరకు నార్త్ వైపున రిటైనింగ్ వాల్ పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ రిటైనింగ్ వాల్ కంప్లీట్ అయినచో పైన వెడల్పుగా బస్ స్టాప్కి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఇంకా సమయం, ఇంకొక 6-7 నెలలు కూడా సమయం పట్టవచ్చు రిటైనింగ్ వాల్ కంప్లీషన్ కొరకు. ఈ విధంగా కొండపైన పనులతో పాటుగా కొండ అంతటా కూడా పచ్చదనంతో ఉండేలాగా ల్యాండ్స్కేపింగ్ పనులన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. గ్రీనరీ కొరకు ఇప్పటికే, ఇప్పుడు వర్షాకాలం కాబట్టి దాదాపుగా మొక్కలన్నింటినీ కూడా పెట్టడానికి అన్ని చర్యలు తీసుకున్నారు. దాదాపు చాలా వరకు మొక్కల్ని నాటడం జరిగింది. వీటితో పాటుగా కొండ చుట్టూ రింగ్ రోడ్ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. అంటే కొండపైకి వచ్చే భక్తులకు కానీ लॉकडाउन की वजह से तिरुमला तिरुपति मंदिर में जायरीन की काफ़ी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से जायरीन की कतार बनाने वाली राहदारी में जंगली जानवर घुस आ रहे हैं. आज भी इस मकाम पर 4 काले नाक सांप के घुसाने से सारे अमले में भगदड़ मच गई. इतला मिलते ही महकमे जंगलात के अहदेदार वहाँ पहुँच कर 1 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद इन सांपों को पकड़ लिया गया है. జీవో బంగ్లాలో బాగుందని మెసేజ్ వచ్చింది. ఇమీడియట్గా పోతే అది నాగుబాము, విషపూరితమైనది, మంచి హానికరమైంది. అది 6 అడుగులు ఉంది, దాన్ని పట్టకపోయి 8 అడుగులు ఉంది. कल प्रगति भवन में जो कुछ हुआ इसको एक दानिस्ता साजिश करार देते हुए सदर तहरीक मुस्लिम शबान व कन्वीनर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुश्ताक मलिक का कहना है कि असेंबली इजलास में मसाजिद के मसले पर मुबाहस को रोकने के लिए ये साजिश की गई है. तहरीक मुस्लिम शाबान जेएसी सदर दफ्तर में 7 सितंबर से आगाज़ होने वाले असेंबली सेशन का एक तमसीली मुजाहरा किया गया. गुज़िश्ता यौम वज़ीर-ए-आला से मुलाकात करने वाले वफ्द व असेंबली सेशन में होने वाली कार्रवाइयों से मुतालिक मीडिया कॉन्फ्रेंस से सदर तहरीक मुस्लिम शाबान मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने वाकिफ करवाया. इस मौके पर MBT तर्जुमान मोहम्मद अमजदुल्ला खान खालिद के अलावा दीगर भी मौजूद थे. बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए इन्होंने तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया है. आज तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर दफ्तर और जैक के सदर दफ्तर पर 7 सितंबर से, यानि कल से जो असम्बली इजलास होने वाला है, उस सिलसिले में तमसीली असम्बली यानि मॉक असम्बली रखी गई थी. और कल जो वफद चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किया और मसाजिद के ताल्लुक से जो बात किया, उस सिलसिले में बहरहाल आज एक असम्बली में क्या होने वाला है वो समझे कि आवाम के सामने लाने के लिए आज ये मॉक असम्बली रखी गई थी. और असम्बली में भी यकीनी तौर पर एक तमाशा तय हुआ है स्क्रिप्ट के तहत. वो स्क्रिप्ट हम समझिए कि आज यहाँ पेश किए. जो मुलाकात भी उस सिलसिले में कल, बहरहाल बहुत सारी बातें आ चुकी हैं. बुनियादी बात यह है कि असेंबली के इजलास में चीफ मिनिस्टर को मुसलमानों से मसाजिद की शहादत पर, कुरान की बेहरमती पर माफ़ी मांगना पड़ेगा. नंबर 2 ये कि अगर चीफ मिनिस्टर वाकई सेकुलर हैं और चीफ मिनिस्टर दयानतदार हैं मसाजिद उसी मकाम पर बनाने के लिए, तो कल ही वक्फ बोर्ड के हवाले वो ज़मीनात कर दी जाएं और वक्फ बोर्ड वहाँ पर फौरी नमाज पढ़ने का इंतज़ाम करे. इससे हुकूमत की दयानत भी मालूम होगी, दयानतदारी भी, और जो वफद मुलाकात करके समझिए कि बहुत बड़ी कामयाबी तसव्वुर कर रहा है,
उसके भी रिप्रेजेंटेशन का कितना असर है वो मालूम होगा। वक्फ बोर्ड के हवाले ये जमीनात की जाए, क्योंकि ये जमीनात अंडर वक्फ बोर्ड समझिए कि नोटिफाइड वक्फ है, इस वजह से कल वक्फ बोर्ड के हवाले ये जमीनात कर दी जाए और नमाज फौरी वहां शुरू की जाए। नमाज का शुरू होना बेइंतहा जरूरी है। मसाजिद आबाद थी, मसाजिद शहीद कर दी गई है, 2 महीने से वहां नमाज नहीं हो रही है। फौरी तौर पर नमाज शुरू हो, जब भी मस्जिद तामीर होती है तामीर हो, लेकिन नमाज का एहतमाम फौरी तौर पर शुरू होना चाहिए। यह ज्वाइंट एक्शन कमेटी का स्टैंड है और इसमें हम समझिए कि कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं। अमजदुल्ला खान खालिद साहब जो सब अपनी राय रखी। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के मसाजिद की उन्हीं मकामत पर तामीर के ऐलान पर तबसरा करते हुए सरगरम सीनियर कांग्रेसी कायद ब्यूरो मोहम्मद अब्दुल इरफान ने कहा कि वज़ीर-ए-आला ने स्क्वायर फिट और स्क्वायर यार्ड के दरमियान के फ़र्क को गैर वाज़ह करते हुए दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर मसाजिद की आराजी के रकबे को इंतहाई कम रकबे पर मुहित कर दिया, जबकि ये सारी सरकारी गजट में दर्ज है। इन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद तफ़सीलात से भी वाकिफ करवाया। आपको मालूम होना चाहिए दोनों मसाजिद गजट के हिसाब से कम 800 स्क्वायर यार्ड है। हाँ, कम से कम 800 स्क्वायर यार्ड है। उस टाइम पे जब राजशेखर रेड्डी साहब सीएम थे, मोहम्मद अली शब्बीर साहब मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पे ये बोले कि भाई पब्लिक इतनी बढ़ गई, पब्लिक को बस नहीं हो रही, पब्लिक बाहर तक आ जा रही। तो उस टाइम पे 50 लाख रुपए लगा के दोनों मस्जिदों, फिर और एक मस्जिद बनाए, तो करीब करीब 2 करोड़ रुपए लगा के आप मस्जिद का एक्सपेंशन करें, उसको अच्छा कंस्ट्रक्शन करें। जब भी जाके मस्जिद बस नहीं होती थी, कितने 800 गज के ऊपर अपने को मस्जिद बस नहीं होती थी, 500 गज पे 650 की एक मस्जिद थी और एक छोटी मस्जिद थी। तो आप बोलिए तक आप लोगों के सामने 12% रिजर्वेशन कहाँ है? शब्बीर अली साहब से शब्बीर साहब बेशक हुशार आदमी है जो मुसलमानों का फायदा करे और अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन ऑफ मुस्लिम रिजर्वेशन कहलाते, मगर आप हुशार नहीं, आप डेढ़ हुशार भी नहीं है, आप 1.5 हुशार है केसीआर साहब, क्योंकि आप 750 स्क्वायर फीट का चॉकलेट हाथ में दे दिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं आपको ये पेपर वाला लिख दिया, ये पेपर वाला इनके अगेंस्ट में लिखा, ये पेपर वाला इनके सपोर्ट, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं केसीआर तेलंगाना का जो सीएमओ हैंडल है ट्विटर का, उसका ट्वीट आपको बोल रहा हूँ मैं। ये देखिए उसका ट्वीट, फेसबुक के ऊपर आप पोस्ट डाले, आप फैसो इसके ऊपर आप ट्वीट डाले, बात हो रहे हैं। आप बोलिए घरों में हालात कैसे, खाने को खाना नहीं है, दवाखाने तो लूट लिए, लूटम लाट है, हमें परेशान है लोगों ने, आप मस्जिदा तोड़ दे रहे हैं, और आप 2 महीने के बाद में आज नींद में से उठ कर जाके वहाँ पे बहुत बड़ा कारनामा करे बैठ के सीएम साहब के साथ क्लेट दिया फुट, अब मैं आप 9 स्क्वायर फुट हो गए, 100 स्क्वायर यार्ड थी तो कितना हो रहा बोलिए, 7200 स्क्वायर फुट। आप क्या दे रहे हैं? 750 स्क्वायर फुट। 2 मस्जिदों को भी मिला लिए तो 1500 स्क्वायर फुट। मजाक है आप ये जो आपके तेलंगाना सीएमओ हैंडल पे और फेसबुक पोस्ट में डाले, आप हकीकत क्या है, आपका जियो क्या है, आप डाल के वो स्क्वायर यार्ड है या स्क्वायर फुट है वो क्लैरिफिकेशन कीजिए। नशे की लत ऐसी लत है जिसमें कई खानदान तबाह हो जाते हैं। आज भी नशे ने 2 जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। ये वाकया नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया है। 2 मोटरसाइकिल सवार जो नशे में लुत थे लिबर्टी चौराहे हादसे का शिकार हो गए। वहां मौजूद पुलिस कांस्टेबल साइकरन ने एम्बुलेंस के जरिए इन दोनों को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल रवाना किया है। అన్ని మాటలు నువ్వు కూడా మాట్లాడకూడదమ్మా చెప్పలేకపోతారు అన్ని నార్త్ సిటీ ఇండియా న్యూస్ కి బులెటిన్ ఆయనే దక్కన్ కి ఖబరో కా సిలసిలా యహీ అఖ్తితామ్ కు పహుంచతా హై మజీద్ అప్డేట్స్ కే లియే ఆప్ దేఖ్తే రహియే సిటీ ఇండియా న్యూస్ హక్ కి ఆవాజ్।
दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।